अभी क्लास 9 हमारा पॉलीनोमियल चल रहा था, उसमें प्रैक्टिस सिर्फ 3.1 स्टार्ट किया था, हाफ पार्ट बाकी है वो आज कम्प्लीट करना है, एंड 3.3 भी स्टार्ट करके आज ही खत्म भी कर दूंगी। तो प्लीज चीजें ठीक से देखना, क्योंकि मेरे को जल्दी से चैप्टर खत्म करके आप लोग का ऑनलाइन में टेस्ट देना है। ऑनलाइन में इसलिए क्योंकि मेरे को पता नहीं आप लोग सम्स देख के सॉल्व कर रहे हो बिना देखे सॉल्व कर रहे हो, इसलिए मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगी अभी। इसके बाद हम लोग लीनियर सिंथेटिक मेथड भी यूज करने वाले 3.3 में। ठीक है, 3.1 में दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 9। और होमवर्क मेरे को आज संडे है, मैं आपका लेक्चर खत्म होने के बाद होमवर्क आज ही सेंड करना है। स्पेशली राजेश, आपको मैंने 4 सम्स करने के लिए बोला था, वो आपने कल के नहीं भेजे हैं, कल के बाद मैं फ्राइडे से बोला हूँ, तो फ्राइडे के भी नहीं आए, सैटरडे के भी नहीं आए, वो भी सेंड करो, होमवर्क भी सेंड करना। होमवर्क में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉरी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजें ही है, तो सिर्फ टाइप्स ही लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी और क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे, एम क्यूब तो पहले आएंगे, फिर उसके बाद में 5m आ जाएगा, उसके बाद 3, डिग्री कम कम होते जा रही है, 3 फिर 5 फिर 3 1 0, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एम क्यूब स्क्वायर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0m² प्लस 5m प्लस 3, दैट इज एम क्यूब प्लस 5m प्लस 3, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा होगा। तो ये डिग्री 3 2 1, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि हम इसको एम रेज टू 0 लिख सकते हैं, जिसका वर्ड कितना होता है 1। तो ये आपकी डिग्री हो गई 3 2 1 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेम वे में सेकेंड क्वेश्चन में पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म y रेज टू 5, फिर 2y 4, डिग्री पे जाना है, नंबर पे नहीं जा रहे हो, रेज टू 5 4, फिर 3 और साइन के साथ -y² -7y और लास्ट में बचता है हाफ। तो यहां से आपकी डिग्री खत्म हो रही है 5 4 3 2 1 और लास्ट में कॉन्स्टेंट नंबर की डिग्री होती है 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, पहले हमने 5 वाला लिखा, फिर 4 वाला लिखा, फिर 3 वाला लिखा, फिर 2 वाला विद साइन, नेगेटिव के साइन के साथ, फिर ये वाला नेगेटिव के साइन के साथ, और ये वाला साइन के साथ। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। दो ही क्वेश्चन पूछे हुए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब इसके आगे जो नंबर है रेंज टू के आगे, तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया इसका, एक्स क्यूब। अब एक्स रेंज टू कुछ नहीं है, रेंज टू 2 नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 0x और इसको लिख सकते हैं -2। ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूब स्क्वायर 1, सॉरी ये पॉजिटिव ही होगा, 1 0। हमने क्या किया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, जहां जहां पे आपके नंबर्स नहीं है वहां पे 0 डाला, -2 तो था। अभी इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ आगे के नंबर 1 0 0 -2, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म किया था हम लोगों ने, बीच में स्क्वायर नहीं था तो 0 डाला, तो डिग्री आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो जब डिग्री लिखते हैं हम लोग, तो अगर जिसकी डिग्री दी है ठीक है, नहीं दी है उसको 0 लिखकर लिखेंगे, तो 0x फाइनली कुछ भी नहीं होता, 0x भी फाइनली कुछ नहीं होता। अब यहां पर सिर्फ 5y है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5y से शुरू किया और 0, तो आपका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, ax² + bx² + cx² + nothing + d। तो ये कोएफिशिएंट है a b c d, और ये वेरिएबल्स है जो सेम होता है, और ये डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 की डिग्री होती है। तो आपको सबके
नंबर्स लिखने, ए बी सी डी, अगर डिग्री के सामने कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको जीरो करके लिखना पड़ेगा। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, चार दिया दो दिया, बीच में तीन गया, तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2m^4 प्लस 0m^3 माइनस 3m², फिर 0m प्लस 7। कोएफिशिएंट फॉर्म हुआ, कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ नंबर्स है, 2, 0, -3, 0, 7, ये इसका कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 दिया था, 3 नहीं दिया था, 4 के बाद आपको पीछे पीछे आना चाहिए, तो 4 के बाद 3 नहीं दिया, 4 के बाद 3 हमने बनाया 0 लिखकर, फिर 2 दिया था, फिर 1 नहीं दिया तो 1 हमने बनाया, डिग्री यहाँ पे 1 है, और लास्ट में 7 दिया था। लास्ट इसके पीछे तो कुछ आता ही नहीं है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म सेम ही रहेगा, क्योंकि आपका रेस टू 4, 3, 2 से शुरू होना चाहिए, ये तो डायरेक्टली रेस टू 0 ही है। कोएफिशिएंट फॉर्म सर ये नंबर ही रहेगा, -2/3, ये लास्ट डिग्री 0 वाली डिग्री। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कॉन्स्टेंट नंबर की डिग्री 0 होती है, अब ये नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसका डिग्री नहीं, हम कॉन्स्टेंट नंबर को जैसे ये 4 है तो इसको m रेस टू 0 लिखते हैं, m रेस टू 0 मतलब 1, 4 × 1 4 ही होता है, सिर्फ लिखने का तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म का उल्टा होता है इंडेक्स फॉर्म, ये कोएफिशिएंट फॉर्म है और इसको हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो हमने अभी इंडेक्स फॉर्म को कोएफिशिएंट फॉर्म में, सॉरी हमने अभी इक्वेशन को कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, अभी हमको नंबर्स दिए, ये नंबर्स मतलब आपकी ये आगे के नंबर्स है, डिग्री नहीं है, कोएफिशिएंट्स है, अब इन कोएफिशिएंट को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोएफिशिएंट को काउंट करो, 3 कोएफिशिएंट है तो हाईएस्ट डिग्री इक्वल्स टू, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स माइनस 1, तो आपके नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है 3 − 1 = 2, आपकी हाईएस्ट डिग्री कहां से शुरू होगी, 2 से, हमारे के पास कितने कोएफिशिएंट है, 1, 2, 3, जितने भी आपके कोएफिशिएंट है उसमें से 1 माइनस करेंगे, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो x, y, m, तो x लेते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2, और ये 1 यहाँ पर लगा, प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। हमने क्या किया, ये कोएफिशिएंट्स है तो पहला 1 यहाँ पर लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, डिग्री 2 से शुरू करेंगे, कहां से पता चला, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स माइनस 1, तो इसको हम लोग 1 को लिखते ही हैं, इसलिए आपका इंडेक्स फॉर्म क्या हो गया, x² इंडेक्स फॉर्म x² + 2x + 3। यहां पर कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 4, तो हाईएस्ट डिग्री इक्वल्स टू 4 − 1 दैट इज सॉरी 5 − 1 दैट इज 4। 5 कैसे आया, नंबर्स काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारी डिग्री कितनी होगी, 4। अभी वेरिएबल आपको चाहिए तो y ले लो, इंडेक्स फॉर्म क्या बनेगा इसका, ये कोएफिशिएंट्स है, 5y^4 + 0y³ + 0y² + 0y - 1, तो हमारे 3 कोएफिशिएंट बीच के 0, लास्ट का कोएफिशिएंट -1, आगे का कोएफिशिएंट है 5, दैट इज हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 5y^4 - 1, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका इंडेक्स फॉर्म अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 0 लगाया हुआ है, नहीं है तो ऐसे रखोगे तो पीछे लगा, यहाँ पर कितने नंबर है, 4, तो आपकी डिग्री कितनी होगी, हाइएस्ट डिग्री 4 − 1 दैट इज 3। अब यहाँ पर हम लोग इंडेक्स फॉर्म के लिए वैल्यू लेते हैं m, कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई एम ए कुछ भी चाहिए, पहला कोएफिशिएंट क्या है, -2, m डिग्री कितनी है 3, फिर +2 m² -2 m और +2, ये हो गया आपका इक्वेशन, हर जगह 2, ये -2 है, फिर +2, फिर -2, फिर +2, हाईएस्ट डिग्री थी 3 और 3 से पीछे पीछे जाते हैं, 3, 2, 1, 0,
यहाँ तक हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हुआ। सब छोटे छोटे सम्स है जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हो कि कौन किसका कोएफिशिएंट फॉर्म है, कौन किसका इंडेक्स फॉर्म है, फिर टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह। तो ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये पहला पार्ट सिंपल वाला था, खत्म हुआ। अभी अब स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 जिसमें लीनियर मेथड निकाल दिया एडमिशन का, सिर्फ सिंथेटिक मेथड ही करें। एडमिशन में 5 और 6 भी स्किप किया, मतलब 4 ही क्वेश्चन कर लें तो आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। इससे पहले 3.3 करें। बट हम लोग ने ये वाला मेथड फॉलो किया था, इस तरह से डिवाइड कर देना। अभी आपको करना है डिविजन बाय सिंथेटिक मेथड। अब सिंथेटिक मेथड क्या होता है, फर्स्ट हमको लिखना है डिविडेंड है हमारा 2n² - 3n + 10। चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है तो कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्क्वायर 1 0, नहीं होगा तो बीच में कोएफिशिएंट्स ऐड कर देंगे। फिर हमारा डिवाइजर है m - 5। तो अभी डिवाइजर का क्या है, m - 5 - 5 हमको इसका ऑपोजिट करना होगा। ऑपोजिट ऑफ -5 = 5 और अभी हम सॉल्व करेंगे सिंथेटिक। अब ये 5 है ये हमारा डिवाइजर और ये डिविडेंड के सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 2 - 3 - 10 साइन के साथ। फर्स्ट नंबर वैसे के वैसे नीचे होते हैं, फिर 5 × 2 = 10 और प्लस करें 10 - 3 + 10 = 7। 7 × 5 = 45, फिर वापस प्लस करना 45। यहाँ तक आपका मेथड खत्म हो चुका। मैं वापस बता देती हूँ क्या किया। फर्स्ट हमने डिविडेंड को लिखा, चेक किया स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिवाइजर m - 5 - 5 का ऑपोजिट है, अगर पॉजिटिव 5 होता तो -5 होता, तो ऑपोजिट ऑफ -5 = 5। फिर सिंथेटिक मेथड में हमने डिविडेंड का सिर्फ कोएफिशिएंट लिखा 2 - 3 पॉजिटिव 10 और यहाँ पर हमने डिवाइजर लिखा कि 5 से डिवाइड करें। फर्स्ट नंबर वैसे कि वैसे आ जाएगा, फिर ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, ये कैसे आया 5 × 2 और ये कैसे आया -3 + 10। ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर को वापस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आया 5 × 7 और ये कैसे आएगा 10 + 3। अब आपके नंबर बच ही नहीं रहे तो सब यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमारे पास है कोएफिशिएंट फॉर्म क्वेश्चन। क्वेश्चन का कोएफिशिएंट फॉर्म है 2 7। रिमाइंडर ये जो लास्ट नंबर रिमाइंडर इक्वल्स टू 45। तो अभी हमारा रिमाइंड क्वेश्चन क्या बचेगा, क्वेश्चन कोएफिशिएंट फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन इक्वल्स टू इंडेक्स फॉर्म अभी सिखाया था, दो नंबर है मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1 और यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी दिया है n, ये हो जाएगा 2n + 7। ये आपका क्वेश्चन है और रिमाइंडर है 45। अभी और मैं 3 सम्स करवा रही हूँ, नहीं होगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने पहले डिविडेंड लिखा, डिवाइजर लिखा, डिवाइड किया, डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और प्लस कर उल्टा करना है। फिर हमारे पास 2 और 7 बच्चे यहाँ पर नीचे और 45 बच्चे, तो लास्ट नंबर तो हमारा रिमाइंडर। फिर ये जो 2 नंबर है वो इंडेक्स सॉरी वो कोएफिशिएंट फॉर्म है तो उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारा क्वेश्चन आया 2n + 7 और रिमाइंडर आया 45। तो ये हमने डिवाइड किया है सिंथेटिक मेथड। अब यहाँ पर फर्स्ट वही स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, तो 4 3 2 1 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिविडेंड (x^2) = 4 + 2x³ + 3x² + 4x + 5। अब डिवाइजर क्या है,
डिवाइजर है एक्स प्लस फोर सॉरी एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर ऑपोजिट ऑफ प्लस टू है, तो ऑपोजिट ऑफ टू प्लस टू क्या हो जाएगा इस माइनस टू, तो हमारा डिवाइजर क्या आएगा माइनस टू। अब फॉर्म करते हैं सिंथेटिक। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं समझता है तो पहले यहां पर कोएफिशिएंट भी लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के कोएफिशिएंट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव, आगे के नंबर्स यहां पर कुछ नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव साइन के साथ में, तो हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव, डिवाइजर क्या है हमारा माइनस टू, पहला नंबर वैसे के वैसे उतरा वन इंटू माइनस टू माइनस टू, तो ये कितना हो गया जीरो। प्लस करना जीरो इंटू माइनस टू जीरो, थ्री प्लस जीरो थ्री, थ्री इंटू टू माइनस सिक्स नेगेटिव है ना, थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स माइनस टू इंटू माइनस टू फोर, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है नाइन। साइन का प्लीज ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव साइन होगा ना डिवाइजर में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पहला नंबर वैसे के वैसे, फिर वन इंटू माइनस टू माइनस टू एड किया जीरो, जीरो इंटू माइनस टू जीरो, फिर वापस एड किया थ्री, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, फिर एड किया माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस टू फोर, फिर एड किया नाइन, तो यह हो गया हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। और यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज ब्रैकेट में लिख के रखो हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस टू इंटू वन किया, ये कैसे आया टू माइनस टू, तो प्लस करना है तो टू माइनस टू होगा, फिर ये कैसे हुआ भाई माइनस टू इंटू जीरो किया, फिर ये थ्री माइनस टू इंटू थ्री किया, ये माइनस टू इंटू माइनस टू किया, हम लोग जो जो नीचे नंबर आते जा रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एड ऑन करते जा रहे हैं, तो ये चीजें लिखनी जरूरी नहीं है बट अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज पेंसिल से इस पर लिख के रखो। अब है कोएफिशिएंट फॉर्म, वन जीरो थ्री माइनस टू, क्योंकि लास्ट के नंबर को तो हमको रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू नाइन, तो हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, अब कितने नंबर है वन टू थ्री फोर, फोर यानी हाइएस्ट डिग्री कितनी है थ्री, ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है एक्स, तो एक्स क्यू फिर जीरो यानी प्लस स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू दैट इज एक्स क्यूब, ये जीरो वाला हटा सकते हो, थ्री एक्स प्लस माइनस टू, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यूब के बाद डायरेक्टली डिग्री जीरो हो गई, तो हम लोग डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या पहले सिर्फ डिविडेंड लिखना है फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डिविडेंड कितना है हमारा y क्यूब माइनस 216, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म y क्यूब प्लस जीरो वाई स्क्वायर प्लस जीरो वाई माइनस 216, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर डिवाइजर कितना है हमारे पास y माइनस सिक्स, तो ऑपोजिट ऑफ माइनस सिक्स इज सिक्स, अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमको इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं वन जीरो जीरो माइनस 216, डिवाइडर कितना हमारा छ, वन वैसे ये वैसे होता है वन इंटू सिक्स सिक्स एड किया सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स, फिर एड किया थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू सिक्स रिमाइंडर यहां पर आएगा जीरो, तो आपका सम क्या हुआ, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, यहां से मैं सम शुरू किया वन का वैसे ही वैसे नंबर उतरा, फर्स्ट नंबर वैसे ही उतरा, फिर वन इंटू सिक्स किया सिक्स, जीरो प्लस सिक्स सिक्स, फिर सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स, जीरो प्लस थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू सिक्स टू हंड्रेड एंड सिक्सटी, हमारा रिमाइंडर जीरो बचा।
कोशेंट कितना होगा आपका? अब डायरेक्टली अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो तीन नंबर, यानी कि डिग्री दो है और हमारा वेरिएबल क्या है वाई, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 36 और रिमाइंडर आ जाएगा जीरो। अब अगर लाइन से लिखनी है प्लीज ये लाइन लिखनी जरूरी है। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या है 1636, 1,6,36 फिर हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड रिमाइंडर आया हमारा जीरो। अब इसको चेक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है आगे पीछे सब, तो डिविडेंड 2x4 प्लस 3x3 प्लस 4x माइनस 2x2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 2x4 प्लस 3x3 स्क्वायर आ गया है माइनस 2x2 प्लस 4x और लास्ट में कुछ नहीं है तो जीरो। डिवाइजर लिखना है x प्लस 3, तो डिवाइजर इक्वल्स टू x प्लस 3, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा नेगेटिव ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव 3 इज नेगेटिव 3। अभी हम लिखते हैं इसको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे इसका 2, 3 माइनस 2, 4, 0 और यहाँ आ गया हमारा माइनस 3। फर्स्ट नंबर वैसे ही वैसे 2 into -3 -6, 3 minus 6 -3, -3 into -3 9 पॉजिटिव, -2 plus 9 7 पॉजिटिव, 7 into 3 21 नेगेटिव। अब 4 पॉजिटिव में 21 नेगेटिव में, तो यहां पर बचेगा आपका 17 नेगेटिव में। अब 17 into 3 51 रिमाइंडर कितना बचा आपका 51। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर वापस भी क्वेश्चन कोएफिशिएंट फॉर्म आ जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म टू माइनस 3, 7 माइनस 17 इंडेक्स फॉर्म क्या होगा 4 नंबर है डिग्री 3 वेरिएबल 2x3 - 3x2 प्लस 7x - 17 और रिमाइंडर है 31। यही सब करना था इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, तो प्लीज ये दो चीजें मैंने अच्छे से करके लिए उसके बॉर्डर के नीचे भी लिख के जाना, यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हुआ सिर्फ लिखने के लिए ही लिखता है। तो अभी हम लोगों ने सिंथेटिक मेथड कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर मैं अभी एक दो ऑनलाइन लेक्चर देने वाली हूँ मैथ्स के, जिसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके अलग अलग सम दो भी नंबर चेंज करके सबको सॉल्व कर लेना, तो प्लीज सिंथेटिक मेथड को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। हमारा 3.3 भी खत्म हो गया, 3.1 कम्प्लीट हुआ, 3.3 भी कम्प्लीट हो गया, इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।